यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। खाना बना रही महिला सहित उसका मासूम बच्चा व तीन अन्य परिवार के लोग गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण आग में झुलस गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने झुलसे परिवार के लोगों को रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पांचों लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना कोतवाली तांडा क्षेत्र के लालपुर कला गाँव की है। प्रत्यदर्शी अंसार हुसैन के मुताबिक उसके परिवार की ही मेहरून नाम की महिला गैस में खाना बनाने जा रही थी। अचानक गैस लीक होने लगी, जिससे परिवार के लोग खुद गैस लीकिंग रोकने के लिए आगे आ गए। इस दौरान जब माचिस की पहली तीली जलाई गई तो कुछ नहीं हुआ, परंतु दूसरी तीली जलाते ही एकदम ब्लास्ट हो गया और पूरे घर में देखते ही देखते आग लग गई। आग लगने से 3 वर्ष का मासूम बच्चा सहित माँ मेहरून और परिवार के 3 अन्य लोग आग में झुलस गए। चीख पुकार होने पर आसपास के ग्रामीण घर में दाखिल हो गए और आग पर कपड़ों व पानी के जरिए बुझा कर काबू पाया गया। आग में झुलसे परिवार के लोगों को जिला अस्पताल में ले जाकर उपचार कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार व गांव में कोहराम मच गया है। बहरहाल अग्निश्रवण के अधिकारी मामले की छानबीन में जुट गए हैं और घटना के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। बात बता। ऐसा है ना, उसमें सिलेंडर में लीकेज थी, वो कल से ही थी वैसे तो, लेकिन आज मॉर्निंग में क्या हुआ, जैसे वो अंदर ही चेक देख रहे थे उसको लीकेज को, उसके बाद वो रेगुलेटर लगा दिया था उसमें, तो क्या हुआ उसमें जलाने के लिए जो उसने तिल्ली लगाई, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम जो वो तिल्ली लगाई उसमें, तो एकदम से कहते हैं गैस इकट्ठी हो गई, तो उसका ब्लास्ट हो गया। तो उसमें 2 बंदे तो 7 मेंबर ही थे, वो ऊपर से फिर बाद में उनको बचाने के लिए जो आए तो सिस्टर वगैरह मेरी लगभग तो कितने 5 आदमी एक ही परिवार के? एक ही परिवार। अच्छा, कोई बच्चा भी? बच्चा, एक बच्चा है ना छोटा। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? ये मिनिमम 1 ईयर का है। अच्छा, 1 ईयर का। कौन से गांव का मामला है ये? लालपुर।